ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के अनुसार वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्रास, जो कहा जाता है, जिसकी गणना सबसे शक्तिशाली मंत्र में की जाती है, वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में जो आगे का फ्रेज है ओम भूर्भुवस्वः, ये हम माँ गायत्री से, सवितुर गायत्री से विनती करते हैं कि जो तीनों लोकों का महाज्ञान है भूर भुवः स्वः, यानी हमारे तीन ऊर्ध्व लोक शास्त्रों में बताए गए हैं। हमारा भूलोक, भूलोक के ऊपर जो आता है वो है भूवर लोक, उसके ऊपर जो आता है वो है महरलोक, और बाद में आता है स्वर्ग लोक। तो हम माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि तीनों लोकों का जो महाज्ञान है वो हमारी प्रज्ञा में स्थिर हो, हमारे इंटेलेक्चुअलिटी में स्थिर हो, और आपके माध्यम से, आपकी कृपा से हम समाज में अपना एक स्थान बना पाए। ये उसका एकदम सरल भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में एक अर्थ माना जाता है। गायत्री मंत्र की अगर हम ओरिजिन की बात करें, उसके जो उद्भव स्थान की बात करें, तो वो हमें मिलता है एक पौराणिक कथा में, जो है ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ की कथा में। तो एक बार ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के ऊपर राजा कौशिक और उनकी पूरी सेना आश्रय लेने के लिए आती है। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के ऊपर इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी कि पूरी सेना खाना खा पाए, भोजन ले पाए। इसके बावजूद राजा कौशिक और उनकी पूरी सेना को भरपेट भोजन दिया गया, और ये बात जानकर, ये बात देखकर राजा कौशिक बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ गए। ऋषि वशिष्ठ जो एक सन्यासी थे, एक तपस्वी थे, इसके बावजूद उनके पास पूरी सेना को भोजन कराने के लिए जो एक सुविधा थी वो कैसे आई, ये प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुआ। और उन्होंने कुटीर में जाकर ऋषि वशिष्ठ से ये प्रश्न पूछा। प्रत्युत्तर में ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि मेरे आश्रम में एक गाय है, एक गौ माता है, जिनके पास आप जो कुछ भी वरदान मांगो वो आपको दे देती हैं, और उन्हीं से वरदान पाकर, उन्हीं से भोजन की सामग्री पाकर मैंने आपकी पूरी सेना और आपके लिए भोजन की व्यवस्था की, भोजन का प्रबंध किया। ये बात जानकर राजा कौशिक को ये लगा कि ये जो गाय है, ये जो गौ माता है, इनका स्थान वास्तव में राजमहल में ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसी गाय राजमहल में ही शोभा देती है। उनके मन में लालच उत्पन्न हुई। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा कि आप मुझे ये गाय दे दो, और इनके बदले में आपको जो भी संपत्ति चाहिए, जो भी सोना चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन ऋषि वशिष्ठ को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, सनातन धर्म के चार स्तंभ हैं, गौ, गंगा, गीता और गायत्री। गौ यानी गाय, गाय माता, गंगा यानी हमारी गंगा माता, गंगा नदी, गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता, और गायत्री यानी वेद माता गायत्री, सवितुर गायत्री। तो ऋषि वशिष्ठ के लिए गाय सिर्फ एक पशु नहीं था, वे उनके लिए माता थी, और कोई अपनी माता को कैसे बेचता। ऋषि वशिष्ठ ने बहुत ही दृढ़ता से राजा कौशिक को ना बोल दिया, और ये बात जानकर राजा कौशिक को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। वे क्रोधित हो गए, वे अपनी पूरी सेना के साथ तैयार थे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन ऋषि वशिष्ठ के पास इतनी सिद्धियां थी, इतनी विद्याएं थी, उनकी शक्तियों के सामने, उनकी सिद्धियों के सामने राजा कौशिक का एक नहीं चला। राजा कौशिक हार गए, और अपनी हार का बदला लेने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे जंगल में जाकर कड़ी साधना करेंगे। वे सन्यासी बनकर जंगल में गए, और उन्होंने बहुत सालों तक देवादिदेव महादेव की आराधना की, उनकी साधना की, और वरदान स्वरूप उनसे अस्त्र शस्त्र का एक सिद्धियों के स्वरूप में अस्त्र शस्त्र पाए। उन्होंने अपने पास जो उन्होंने विद्या ग्रहण की थी महादेव की कृपा से, वो लेकर फिर से राजा कौशिक ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के ऊपर हमला करने के लिए गए, लेकिन इस बार भी ऋषि वशिष्ठ के सामने, उनके सिद्धियों के सामने उनका कुछ नहीं चला। वे दूसरी बार हार गए। अब ये जो पराजय था, ये राजा कौशिक के अहंकार के ऊपर, उनके अंतरात्मा के ऊपर चोट समान साबित हुआ। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से ये पूछा कि आपके पास ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके सामने महादेव के द्वारा दिया हुआ अस्त्र भी निष्फल साबित हो गया। और उस वक्त पे ऋषि वशिष्ठ ने ये रहस्य का उद्घाटन किया कि जो विद्या आप बाहर से ग्रहण करके आए हो, जो मंत्र का आप बाहर से इस्तेमाल कर रहे हो,
अगर आप मंत्र के साथ जुड़ जाए, एकाकार हो जाए, तो आप स्वयं मंत्र बन जाते हो। और मेरी जो विद्या है वो कहीं बाहर नहीं है, मैं स्वयं ही मंत्र बन चुका हूँ। ये बात जानकर राजा कौशिक को ये एहसास हुआ कि वो कितने गलत थे। पश्चाताप के तौर पर और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, महाज्ञान प्राप्त करने के लिए, वे चले गए वापस जंगल में। बहुत सालों की तपस्या के बाद उन्हें प्राप्त हुआ गायत्री मंत्र, जो स्वयं वेद माता गायत्री ने आकर उन्हें प्रदान किया। ये कहा जाता है कि राजा कौशिक को जब गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ, उसके बाद वे बन गए ऋषि विश्वामित्र। और इसी कारण से गायत्री मंत्र के जो मंत्र दृष्टा है वो स्वयं ऋषि विश्वामित्र है। विश्वामित्र का अर्थ ये होता है कि जो समस्त विश्व का मित्र है, जो समस्त विश्व के लिए लोक कल्याण का काम करते हैं, वही कहलाए जाते हैं ऋषि विश्वामित्र। और इसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने समस्त लोक कल्याण के लिए, समस्त जगत के कल्याण के लिए सवितुर गायत्री मंत्र का उन्होंने प्रसार किया, व्याप किया, और पूरे विश्व में उन्होंने गायत्री मंत्र लोगों को दिया। और आदि काल से गायत्री मंत्र अनेक लोगों का भला करता आ रहा है। गायत्री मंत्र के कुल 28 प्रकार होते हैं। अभी हमने जिस गायत्री मंत्र की बात करी वो था सवितुर गायत्री मंत्र। और सवितुर गायत्री मंत्र यानी सूर्य का गायत्री मंत्र। सूर्य में जो तेज होता है, जो आभा होती है, वही आभा, वही तेज, वही महाज्ञान प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इंसान को, साधक को, अपनी प्रज्ञा यानी बुद्धि, इंटेलेक्चुअलिटी को बढ़ाने के लिए अगर कोई मंत्र का जाप करना चाहिए तो वो है गायत्री मंत्र। साथ में ये एक बहुत व्यापक भ्रमणा हमारे संसार में, हमारे समाज में प्रवर्तमान है कि गायत्री मंत्र का जाप स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो स्वयं माँ सीता, माँ जानकी त्रिकाल संध्या करती थी। त्रिकाल संध्या यानी तीन टाइम पे, तीन समय पे गायत्री मंत्र का जाप करके पूरी विधि विधान के साथ ईश्वर को भजना, ईश्वर की पूजा करना, इसे कहा गया त्रिकाल संध्या। अगर रामायण में से हमें ये रेफरेंस मिल रहा है तो हम ये बिल्कुल मान के नहीं चल सकते कि कोई भी स्त्री गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती। ये इसलिए व्यापक भ्रमणा फैल गई क्योंकि बीच के कालांतर में, मध्य युग में, जब हम कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान समाज का निर्माण होता गया, पेट्रियाकल सोसाइटी का निर्माण होता गया, तब वे नहीं चाहते थे कि स्त्रियां डोमिनेंट बने, उनका डोमिनेंस पुरुष प्रधान समाज के ऊपर ना हो। इस वजह से गायत्री मंत्र का जाप उनके लिए वर्जित कर दिया गया। और दूसरी एक भ्रमणा ये भी हमारे समाज में प्रवर्तमान है कि गायत्री मंत्र को बिना दीक्षा के आप जाप नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र का जाप सभी मनुष्य कर सकते हैं, सभी इंसान वे कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बुद्धि में, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी में एक असर पाना है, महाज्ञान प्राप्त करना है, आपको ईश्वरत्व को प्राप्त करना है, तो आपको हर रोज़ गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। गायत्री मंत्र के बारे में ये वीडियो जो हमने बनाई वो आपको कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ में राज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।